सभी विद्यार्थियों को मेरा वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर इस समय एमसीक्यू सीरीज प्रारंभ किया गया है और इसके तहत हम लोग जीएस के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम करंट अफेयर्स के प्रश्न प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें लगभग आगे या पीछे के लगभग साल डेढ़ साल वर्ष समय के प्रश्न लिए जाएंगे और मेरा मानना है कि जब भी आप करंट अफेयर्स की तैयारी करें तो दो चार महीने का नहीं बल्कि एक लंबे समय का, साल डेढ़ साल का, क्योंकि आप अक्सर देखते होंगे कभी कभी प्रश्न करंट अफेयर्स के ऐसे आते हैं कि आपको हवा ही नहीं लगता कहां से आ गया। तो हमेशा मान के चलिए करंट अफेयर्स दो चार महीने का नहीं होता है, लगभग साल डेढ़ साल का तैयारी होना चाहिए, एक विधिवत तैयारी जैसे सिविल सेवा में आता है और उसी के लिए तैयारी भी है। तो चाहे सिविल सेवा, चाहे प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज और चाहे और वनडे एग्जाम हो, सब में एक साल डेढ़ साल के करंट को कवर किया जाता है। तो उसी सीरीज के तहत 2020-21 में जितने भी टारगेटेड एग्जामिनेशन होने वाले हैं सबको ध्यान में रखकर ये 2020-21 तक के करंट अफेयर्स हम इसमें रखेंगे। एक सीरीज प्रारंभ किया गया है, निश्चय ही इससे आपको आने वाले परीक्षा में प्रश्न मिलेंगे और आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो आइए सीरीज वन करंट अफेयर्स का प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत सरकार ने कहां देश का पहला एनिमल वार मेमोरियल यानी जानवरों के लिए युद्ध स्मारक खोलने का निर्णय लिया है। बड़ी बात है, जानवरों के लिए युद्ध स्मारक, एनिमल वार मेमोरियल, जानवरों के लिए युद्ध स्मारक खोलने का निर्णय लिया है। नंबर ए भोपाल, नंबर बी मेरठ, नंबर सी लखनऊ, नंबर डी सिरसा। तो इसका उत्तर है मेरठ में जानवरों के लिए एनिमल वार मेमोरियल खोलने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है। नेक्स्ट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा रैंक है? ए 142वां, बी 143वां, सी 144वां, डी 145वां। ठीक है ना, ये ऐसे प्रश्न आजकल कोई भी परीक्षा आप उठा लीजिए, सूचकांक में संख्या, क्योंकि ये वैश्विक ग्लोबल विलेज का जमाना है, तो ग्लोबल विलेज के जमाना में सामूहिक रूप से रैंकिंग का निर्धारण होता है, यानी पूरे देश विश्व के देशों के आधार पर रैंकिंग का निर्धारण किया जाता है। पर्टिकुलर वह देश क्या, उससे मतलब पूरे विश्व के समुदाय को एक ग्लोबल विलेज मानकर रैंकिंग का निर्धारण होता है। इससे प्रश्न बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं, तमाम प्रकार की रेटिंग एजेंसियां हैं जो रैंकिंग का निर्धारण करती हैं प्रत्येक क्षेत्र में, तो हर क्षेत्र की रैंकिंग को आप ज्यादातर मतलब 10-5 के लिए जरूर जानिए। तो उसमें यह प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा रैंक है? तो इसका उत्तर है 142वां रैंक भारत को मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 एथलीटों की फोर्ब्स सूची, माने फोर्ब्स ने जो पत्रिका है आप जान रहे हैं और जो इस तरह से धनी लोगों का या सक्षम लोगों का सूची निकालती है, तो उसी का ये प्रश्न है, सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 एथलीटों की फोर्ब्स सूची 2020 में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? 100 सर्वाधिक कमाई करने वाले की जो फोर्ब्स ने जो सूची जारी की उसमें एकमात्र भारतीय खिलाड़ी शामिल है, कौन है? इसका ऑप्शन देखिए, पहला ए रोहित शर्मा, बी विराट कोहली, सी केएल राहुल और डी सुनील छेत्री। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है विराट कोहली। विराट कोहली को फोर्ब्स की 100 सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी के रूप में रखा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं और इन देखिए इन प्रश्नों को बहुत रटने की जरूरत नहीं, आप एक बार समझ लीजिए। भाई विराट कोहली कैप्टन भी हैं और विराट कोहली इस समय सर्वाधिक चर्चित खिलाड़ियों में से हैं,
तो जाहिर सी बात है भारत के क्रिकेट खिलाड़ियों में, तो जाहिर सी बात है आप इसको समझ लीजिए कि भाई वही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का निर्माण कहां किया जा रहा है, मैंने नदी के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का निर्माण कहां किया जा रहा है। पहला ए मुंबई, बी चेन्नई, सी बंगलुरु और डी कोलकाता। ठीक है ना, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है कोलकाता। कोलकाता में हुगली नदी के नीचे अंडर वाटर मेट्रो, मेट्रो परियोजना आजकल आप जान रहे हैं कि किसी भी राज्य के या किसी भी शहर की समृद्धि का परिचायक है, लेकिन कोलकाता में सबसे पहले कोलकाता में मेट्रो परियोजना संचालित हुई थी, अब वहां अंडर वाटर मेट्रो परियोजना का प्रारंभ किया जा रहा है, और वो भी किस नदी के नीचे, हुगली। तो इसमें कई प्रश्न हो गया, अंडर वाटर मेट्रो का परियोजना का प्रारंभ कहां हो रहा है, तो कोलकाता में, किस नदी के। अब अगला प्रश्न पूछ सकता है कि भारत के किस नदी के नीचे अंडर वाटर मेट्रो परियोजना का प्रारंभ किया गया, या भारत का वह कौन सा राज्य है जहां अंडर वाटर मेट्रो परियोजना का प्रारंभ किया गया था। अब देखिए एक प्रश्न से तीन चार प्रश्न हो गए, ठीक है ना, एक करंट अफेयर, तो इसलिए रटिए मत, समझिए। लोग कहते हैं करंट अफेयर्स में क्या रटना है, समझ लीजिए ना, क्योंकि जिस स्थान पर जो वर्क हो रहा है वो प्रासंगिक है। करंट अफेयर्स को आप समझने का भी प्रयत्न करें, क्योंकि आप देखते हैं कई बार बहुत अंदर से प्रश्न आ जाता है, हवा ही नहीं मिलता है। तो ऐसे केसों के लिए आपको आपकी समस्याओं का हल केवल आप ही दे सकते हैं, हर प्रश्न को समझकर। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य बना है। ए भूटान, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ए भूटान। जो भी प्रश्न लिए गए हैं वो प्रासंगिक है और वो महत्वपूर्ण है, आएंगे जरूर। ठीक है, तो भाई पहली बात, दूसरी बात, एक गेस नहीं, मैं अच्छे प्रश्न बताने का प्रयत्न करता हूं। ठीक है, हाल ही में कौन सा देश राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य बना है। ए भूटान, बी म्यांमार, सी मालदीव और डी है श्रीलंका। तो इस प्रश्न का उत्तर है मालदीव। राष्ट्रमंडल जो ब्रिटिश राष्ट्रकुल का, जो कभी किसी जमाने में ऐसे देश जो ब्रिटेन के कब्जे में थे उसका संगठन राष्ट्रमंडल था, है तो मालदीव पहले भी था इसका सदस्य, ऐसा नहीं कि मालदीव पहली बार बना, मालदीव पहले था, इसने छोड़ दिया था, लेकिन इसने पुनः अभी इसने फिर इसको धारण किया है और 54वां सदस्य बना है, यानी दोबारा, अभी पूछ सकता कौन सा देश दोबारा बना, ये भी पूछ सकता है। तो मालदीव जो है वो 54वें सदस्य के रूप में क्या बना है, राष्ट्रमंडल का सदस्य बना है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत में पिछले दशकों में कुपोषित लोगों की संख्या में कितनी कमी आई है। पिछले दशक में संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट जारी कर रहा है कि पिछले दशक में भारत में कुपोषित लोगों की संख्या में कितनी कमी आई है। अब एक प्रकार से भारत की समृद्धि का सूचक भी हो रहा है कि भारत में कुपोषित लोगों की संख्या में कमी आई है। तो इसका ऑप्शन है 6 करोड़, बी 7 करोड़, डी सी 8 करोड़ और डी है 10 करोड़। तो इसका उत्तर है 6 करोड़। पिछले दशक में भारत में कुपोषित लोगों की संख्या में जो कमी आई है वो कितना है, 6 करोड़। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये भारत के समृद्धि का भी सूचक है, क्योंकि लगभग एक तिहाई लोगों को माना जाता था कि एक टाइम का खाना नहीं खाते हैं भारत में। तो जाहिर सी बात है कुपोषित लोगों की संख्या में भारत में कमी आई है और वो पिछले दशक में कितना है, 6 करोड़ लोगों की कमी आई है। ठीक है ना, तो ये सारे प्रश्न प्रासंगिक हैं, महत्वपूर्ण हैं और आपके ज्ञान में वृद्धि तो करेगा ही, साथ में एग्जामिनेशन हाल में भी आपका मदद करेगा। लेकिन मेरा बार बार आपसे यही कहना है कि इस चीजों को समझने का प्रयत्न करें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 7वां, अभी हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय संघ से अलग हुआ। 7वां प्रश्न है, अभी हाल ही में कौन सा देश 31 जनवरी
31 जनवरी 2020 को यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ। ये बड़ी बात है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए है यूएसए, नंबर बी है फ्रांस, नंबर सी है ग्रीनलैंड और नंबर डी है ब्रिटेन। ठीक है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर है ब्रिटेन। ब्रिटेन 31 जनवरी 2020 को यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ है। नेक्स्ट आठवां प्रश्न है, यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया, ब्रिटेन यूरोप का एक महत्वपूर्ण सदस्य होते हुए भी यूरोप इससे अलग हो गया। टीबी हारेगा देश जीतेगा, टीबी हारेगा देश जीतेगा, टीबी हारेगा देश जीतेगा योजना के तहत कब तक योजना के तहत कब तक टीबी को खत्म करने का निर्णय सरकार ने लिया है। खत्म करने का निर्णय सरकार ने लिया है। ठीक है ना। कब तक टीबी हारेगा देश जीतेगा योजना है कब के तहत, कब तक टीबी को खत्म करने का निर्णय सरकार ने लिया है। ए 2022, बी 2025, सी 2027 और डी 2030। ठीक है ना। तो इसका उत्तर है 2025 तक। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद जरूर रखिएगा। ये टारगेटेड प्रश्न है सरकार का कि 2025 तक भारत सरकार क्या करेगा, टीबी भारत से समाप्त कर देगा। आइए अब हम लोग करने का निर्णय लिया है, खत्म होगा नहीं होगा ये अलग की बात है, लेकिन 2025 तक सरकार ने निर्णय लिया। एक बात और याद रखिएगा, सरकारी योजनाओं से प्रश्न जरूर आते हैं, एथेंटिक प्रश्न माने जाते हैं, इसलिए सरकारी योजनाओं को बहुत ध्यान से आप पढ़ें, उसके टारगेट को आप जरूर जानें। टारगेट से प्रश्न आप देखते होंगे, एग्जाम में बहुत आता होगा। नौवां, बजट 2020-21, बजट से प्रश्न आते हैं, 2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है। ठीक है ना, जीडीपी का कितना प्रतिशत है। ए 3.5%, बी 3.3%, सी 3.2% और डी 3.4%। तो इसका उत्तर है जीडीपी का 3.5% है राजकोषीय घाटा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बजट से प्रश्न है। ठीक है ना। दसवां प्रश्न है उड़ान योजना के तहत, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उड़ान योजना के तहत सरकार ने कितने हवाई अड्डों के विकास का निर्णय लिया है, कितने हवाई अड्डों के विकास का निर्णय लिया है। ठीक है ना। तो इसका क्या क्या ऑप्शन है, नंबर ए 50, नंबर बी 100, ठीक है, नंबर डी 150, नंबर सी 150 और नंबर डी 200। लेकिन सही उत्तर है इसका 100। उड़ान योजना जो कम पैसे में ही आम लोगों को हवाई यात्रा उपलब्ध कराने के लिए, हवाई सेवा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है, तो इसके तहत सरकार ने 100 हवाई अड्डों को और विकास के लिए 2024 तक और विकास 100 हवाई अड्डों का विकास करेगी, ताकि उड़ान योजना के तहत
सस्ते में लोगों को हवाई यात्रा उपलब्ध हो जाए, ठीक है ना। तो ये आज के प्रश्न रह गए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।